स्वागत है आपका फैंटेसी में। आज अपन बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच होने वाले सीरीज के दूसरे ओडीआई के बारे में। तो इस मैच के लिए कौन होगा हमारी मेगा ग्रैंड लीग के लिए ट्रंप प्लेयर, और साथ में जानेंगे पिच रिपोर्ट जो लास्ट जो यहाँ पे 5 ओडीआई खेले गए उनका एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब चलते हैं पिच की तरफ। मैच खेला जाएगा ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में, जो कि बैटर्स के लिए बहुत ही अच्छा वेन्यू रहने वाला है। यहाँ पे बैटिंग बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, दोनों तरफ से रन बनते हैं। इसके अलावा पेसर्स को यहाँ पे एडवांटेज आपको दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो आप यहाँ पे 48 मैच हुए, बैट फर्स्ट है 21 जीती है और बैट सेकंड जीती है 25। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में बहुत ही तगड़ी बात, ठीक है। यहाँ देखो आप 2 मैच टाई हुए, इसके अलावा एवरेज स्कोर हुए यहाँ का है 260 एवरेज स्कोर है ये तो। और हाइएस्ट आप देखोगे ना 481 बनाए थे, वो भी किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाए थे इंग्लैंड ने। वहां पे बेस्टो और जेसन रॉय ने बहुत अच्छी पारी खेली थी। अब देख लेते हैं जो लास्ट 5 मैच इस वेन्यू पे हुए, बहुत ही तगड़ा वेन्यू है। यहाँ पे देखो इनका डोमेस्टिक जो ओडीआई चलता है ओडीआई कप, उसका ये मैच है। 267 बने 7 विकेट के नुकसान पे, चेज करने आए हंस की टीम 265 पे 8 विकेट गवा के चेज नहीं कर पाती। पेसर्स निकाल रहे 13 विकेट और स्पिनर को मिल रहा है केवल और 1 विकेट, ठीक है। उससे पहले यह मैच एकदम लेटेस्ट है, 16 सितंबर 2023 को खेला गया था। इसके अलावा कैंट यहाँ पे 306 बनाती है, चेज करने वाली टीम ऑल आउट हो जाती है 285 पे, ठीक है। पेसर्स निकाल रहे 14 विकेट और स्पिनर को मिल रहा है केवल और केवल 1 विकेट, यानी कि पेसर बहुत ही ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नॉटिंघम 290 बन रहे हैं 7 विकेट के नुकसान पे, चेज करने वाली टीम 225 पे ऑल आउट, पेसर्स को 12 स्पिनर को केवल 3 विकेट, ठीक है। यहां देखो 296 बन रहा है 9 विकेट के नुकसान पे, चेज करने वाली टीम फिर से आउट हो रही है पूरी 238 पे, ठीक है। पेसर्स निकाल रहे 15 स्पिनर निकाल रहे 3। ये वाला मैच देखो आप, ये वर्ल्ड कप का मैच था, 381 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट के नुकसान पे, और बांग्लादेश जैसी टीम के सामने 333 बनाई थी 8 विकेट के नुकसान पे, ठीक है। पेसर्स को मिले थे 10 स्पिनर को केवल 1। अब यहां से देखो आप जो पिछले 5 मैच हुए हैं इन सब में बैट फर्स्ट टीम जीत रही है। पिछले 5 मैच देखोगे ना इस वेन्यू के ओडीआई, उनमें 5ों में बैट फर्स्ट टीम हैवी है, तो मतलब बैट फर्स्ट को बहुत ही ज्यादा एडवांटेज रहने वाला है, 5ों बार बैट फर्स्ट जीत रही है। इसके अलावा स्कोर देखो आप 300, 290, 296, 381, यानी लगभग 300 या 300 से ज्यादा बनना है। अगर इंग्लैंड पहले खेलेगी तो 350 तो आप नॉर्मल मान के चलो, हो सकता है 400 भी बना दे, ठीक है। और विकेट किसको मिलेंगे, पेसर्स को। तो अपने लिए बैटिंग वाले सेशन से और पेसर वाले दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले, पेसर और बैटर, ठीक है। इसके अलावा स्पिनर्स को आपको कम लेना है, क्योंकि स्पिनर्स को यहां पे विकेट बहुत ही कम मिलते हैं। अब चलते हैं अपन देख लेते हैं इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11। पिस हॉल्ट के साथ ओपनिंग करेंगे जैक क्रेवल, जेरूड बाहर हो चुके हैं, इसके अलावा टॉम कैंडमोर आए उनकी जगह। इसके अलावा बेन डक, विल जैक्स, सी ओवर्टन, सेमी हाल, लुक वुड, ब्रेडन कार्स, एम पोर्ट्स और जी स्क्रेम्सो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। पिस हॉल्ट का रिसेंट फॉर्म देखो आप, 4, 86, 28, 17, 47 और 25, अच्छा बल्लेबाज है। अगर बैट फर्स्ट आती है तो ये बल्लेबाज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां देखो जैक क्रेवल को 30, 19, 12, 2 और 2, ठीक है, अच्छा प्लेयर है ये भी, अभी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है। यहां देखो 14, 11, 64, 6, 33, 15, ये T20 के स्टेट्स हैं इनके, रिसेंट है जो ये लास्ट खेल के आ रहे हैं। इसके अलावा ओडीआई फॉर्मेट है तो ये प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बेंडक 10, 25, 23, 27, ये हर मैच में थोड़े थोड़े रन बना रहा है, हो सकता है ओडीआई ये बड़ी पारी आ जाए 47, यानी कि आपके लिए बैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। यहां देखो विल जैक्स 31+0, 14 रन+2 विकेट, 22, 19 रन+1 विकेट, 11 रन और 16 रन। क्रिक गॉर्टन को देख लो आप, 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 1 और 0। सेमी हा इसको इससे ऊपर आएगा ये बैटिंग करने, 33 नॉट आउट 16 30 3 20 और 63, डोमेस्टिक में बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है सेमी हा का, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, ठीक है। लुकवुड को देखो 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट। ब्रेडन कार्स 0 1 3 1 0 और 1। एम्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 4 विकेट, इसके अलावा 0-0 लिया है, लेकिन फास्टर को यहाँ पे एडवांटेज है। यहाँ पे देखो 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, लगातार विकेट
निकाल रहा है। अब देख लेते हैं आयरलैंड की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाले, पॉल स्टर्लिंग, एंड्रू बेबरलिन, लॉरेन टक्कर, हैरी टेक्टर, ब्रोकल, क्यूटिस कैंपर, एंड्रू मैब्रायन, मार्क एडियर, बी मेकार्थ। यहां तक इनकी बैटिंग है, सब बैटिंग करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट टीम रहने वाले। यहां देखो क्रिक यंग, जोशुआ लिटिल, आयरिश टीम इनको 100% कंपटीशन देने वाली है क्योंकि इनके मेन प्लेयर्स टीम में नहीं खेल रहे इंग्लैंड के, ठीक है, वो वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहां देखो आप 28, 11, 0, 5, 66, 9, थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन तगड़ा प्लेयर है, कभी फॉर्म में आ सकता है। एंड्रू मैब्रायन 53, 25, 4, 4, 72 और 20, ये अच्छा टच में दिखा था इंडिया के अगेंस्ट, भी इंपोर्टेंट रहने वाला। लॉरेन टक्कर 36, 30, 38, 8 और 38 नॉट आउट। हैरी टेक्टर को देख लो आप 37, 0, 9, 7, 10 नॉट आउट, 0, ये थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है लेकिन प्लेयर अच्छा है, ठीक है। ब्रोकल 4, 36, 88, 0, 1, 13 और 26, ब्रोकल अच्छी फॉर्म में। इसके अलावा क्यूर्टिस कैंपर को बताता हूं मैं, बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है, आगे देखना इनके अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। क्यूर्टिस कैंपर को देखो 49, 0, 101 बना रहा है, 32, 0, 39, 18 और 98, तो इंपोर्टेंट रहने वाला है क्यूर्टिस कैंपर बहुत ही ज्यादा। मैब्रायन को देख लो आप 17 रन 1 विकेट 1 विकेट 6 रन प्लस 0 0 20 रन प्लस 0 12 रन प्लस 0, साथ ही कुछ खास प्लेयर नहीं लगा मेरे को। एडियर को देखो आप 1 0 0 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, बैटिंग करना जानता है लोअर ऑर्डर में। मैकार्थी 3 विकेट 2 विकेट 0 1 0 2, इंडिया के अगेंस्ट 50 लगाई थी इसने T20 में, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा, ठीक है। क्रिक यंग 2 4 4 2 1 2, क्रिक यंग का फॉर्म बहुत ही शानदार है, लगातार विकेट निकाल रहा है। जोशुआ लिटिल 1 विकेट 2 विकेट 0 0 1 विकेट, ये इंपोर्टेंट रहने वाला, आईपीएल भी खेल चुका है, इंपोर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। अब देख लेते हैं जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो कौन सा प्लेयर परफॉर्म करता है। यहां देखो आप आयरलैंड की तरफ से क्यूर्टिस कैंपर, एंड्रू मैब्रायन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अलावा क्रिक यंग, ठीक है। इंग्लैंड के करंट प्लेयर कोई भी स्क्वाड में नहीं है क्योंकि नई टीम है इंग्लैंड की, ठीक है। इसके अलावा क्यूर्टिस कैंपर आपको यहां भी नजर आएंगे, 68 रन 2 विकेट, क्यूर्टिस कैंपर बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है। यहां देखो 2 विकेट, हर मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करता है क्यूर्टिस कैंपर, बैट बॉल दोनों से, ठीक है। ये उनकी जो मेन टीम है उनके सामने परफॉर्मेंस है, यहां तो बैटिंग पिच रहने वाली है तो बैट बॉल दोनों से इंपोर्टेंट रहने वाला है, करंट फॉर्म भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा क्रिक यंग को देखो आप 1 विकेट 2 विकेट, यहां देखो 3 विकेट फिर निकाल रहा है, हर मैच में क्रिक यंग चल रहा है। और क्रिक यंग का सिलेक्शन परसेंटेज डाउन रहेगा अगर बॉल फर्स्ट में आते हैं ना, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा क्रिक यंग। इसके अलावा हैरी टेक्टर 28, हैरी टेक्टर 29 नॉट आउट, बैटिंग पिच इंपोर्टेंट रहने वाला है। जोशुआ लिटिल लगातार विकेट निकाल रहा है इनके अगेंस्ट। इसके अलावा पॉल स्टर्लिंग, एंड मैब्रायन ने शतक लगाया था, बहुत ही शानदार मैच विन किया था ये आयरलैंड की टीम ने 328 बनाने के बाद भी, तो आयरलैंड की टीम इनको कॉम्पीट कर सकती है। अब देख लेते हैं अपन जो ट्रंप प्लेयर आज के मैच के लिए रहने वाले हैं, हैरी टेक्टर, जी ड्रोकल, क्रिक यंग, इसके अलावा इंग्लैंड की तरफ से सेमी हा और मैथ्यू पोर्ट्स। अब मैं बताता हूं इन प्लेयर को आपको किस हिसाब से रोटेट करना है। देखो पांचों प्लेयर लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर है, ठीक है, आपको एक ही टीम पे सभी प्लेयर नहीं लेके जाने, दो तीन प्लेयर हर टीम पे ट्राई करने हैं क्योंकि मेगा जीएल जीतने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैट फर्स्ट जीत रहे हैं, तो इन दोनों बैट्समैन में से एक तो आना ही आना है, ठीक है। इसके अलावा क्रिक यंग भी के भी चांस बढ़ जाएंगे क्योंकि ये अगर अच्छा टोटल सामने डालते हैं तो विकेट लेने के चांसेज हैं, ठीक है। अब देखो सेमी, अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और मैथ्यू पोर्ट्स भी पहले बैटिंग में और बॉलिंग में, ये दोनों में इंपोर्टेंट रहने वाला, अच्छा फास्टर है, ठीक है। तो इन पांचों प्लेयर्स में से आपको 2 या 3 प्लेयर ड्रीम टीम के मेंबर बनते हुए जरूर दिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हैरी टेक्टर को आप वीसी या कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हैं, एक डिफरेंशियल पिक हो सकता है आपके लिए। अब देख लेते हैं मेगा ग्रैंड लीग के लिए जो मैंने अभी के लिए टीम बनाई उसको देख लेते हैं। पिसाल्ट को मैं रख रहा हूं, बेन डक, एंड्रू बेब्रायन, सेमी हा, हैरी टेक्टर और जैक क्रेवेल को मैंने रखा है। बैटिंग वाले सेशन से मैंने 5 बैट्समैन लिए क्योंकि बहुत ही अच्छा बैटिंग ट्रैक है ये। विल जैक्स और क्यूर्टिस कैंपर को मैं रख रहा हूं, लुक वुड, मार्क एडियर और मैथ्यू पोर्ट्स। कैप्टन मैंने किया है पिसाल्ट को और वॉइस कैप्टन मैंने किया है बेन डक को, ठीक है। यहां पे पिसाल्ट, लॉरेन टक्कर को मैंने ट्राई किया है,
बेंडक टी कैंड मोरे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत ही अच्छा खेलता है। एंडर मैप्राइन हैरी टेक्टर को मैंने रखा है, विल जैक्स क्यूरिटिस कैंपर को मैंने रख रहा हूँ, लुकवुड एडियर और मैथ्यू पोर्ट्स को मैं यहाँ पे भी ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, कैप्टन मैंने किया हैरी टेक्टर को, वाइस कैप्टन मैंने किया है लॉरेन टक्कर को। अगर ये आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है ना, तो यहाँ पे आप पॉल स्टर्लिंग को भी ट्राई कर लेना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये बैट फर्स्ट के हिसाब से आपको सीवीसी बैट फर्स्ट वाली टीम से ज्यादा आ रहे हैं इस वेन्यू पे जो मैच खेले गए, तो इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसके अलावा आप चेंज ये कर सकते हैं कि यहां पे आप पॉल स्टर्लिंग और मैथ्यू पोर्ट्स की जगह आप एक अलग टीम में जी स्क्रीनशो को भी ट्राई कर सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलर है, लगातार करंट फॉर्म में उसने विकेट निकाल रखे हैं, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अपन को प्लेयर्स को रोटेट करते हुए लेकर चलना है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।